समीप के शहर हिंडन सिटी में तीन अनाथ बालिकाओं के पालक द्वारा आर्थिक अभावों के कारण कम उम्र में शादी करने का निर्णय लेने की जानकारी मिलने पर मैं उन तीनों बालिकाओं की समस्याओं का एक वीडियो बनाया और मैंने उसी समय अपने मन में ये ठान लिया कि इन तीनों बच्चियों को न्याय दिलाकर रहूँगी और उनके पालक को भी बताया कि आप इनकी अभी कम उम्र में शादी मत कीजिए। आपके माता पिता कितने समय पहले खत्म हुए? 10 साल। जब आप कितनी बड़ी थी? 6 साल की। उस टाइम जब आपके माता पिता खत्म हुए थे तब आपके पास में कितनी परिस्थितियां थी और आपको कैसे पाला किसी ने और कहाँ रहे और अब कहाँ रह रहे हो वो बताइए। भैया भाभी के पास रिये नहीं रहा। पढ़ने जाती हो? अब हम पढ़ने नहीं। क्यों नहीं पढ़ना चाहती हो आप? वैसे नहीं पढ़ना चाहती। उस वीडियो को लेकर मैंने समाज अधिकारिता विभाग से बात की और आज 3 महीने बाद में उन तीनों बालिकाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 10,000 का चेक दिया गया है। ये जो है रमेश चंद जी, तो इनके पास कोई दस्तावेज तो था नहीं और चूंकि इनके माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई है तो इस विषय में हमें मीडिया का काफ़ी सहयोग रहा कि उसके द्वारा इनके दस्तावेजों की पूर्ति करवाई गई और हमारे द्वारा फिर इसमें इस सेंक्शन को निकाल करके इसका चेक जारी किया जा रहा है। मैडम का क्या सहयोग रहा इसमें? मैडम का सहयोग इसमें विशेष रूप से ये रहा है कि इन्होंने इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग की है और जो भी इसमें दस्तावेजों की आवश्यकता थी वो पूर्ति करवाई। ईटीवी वालों ने कुछ उसमें अखबार में निकलवाया, राजस्थान पत्रिका वाले ने निकाला, उसको पढ़ के आप आई और आपने मतलब इतनी मेहनत करके 4 महीनों में इसको चालू करवाया। कितना पैसा मिला है सर? आज 10,000 रुपये का डीडी मिला है। आज ये है कि इन बच्चों का भरण पोषण मैं बढ़िया तरीके से और कर दूंगा, कपड़े बनवाऊंगा, खाने के लिए बढ़िया, रहन सहन के लिए सब कुछ करूंगा। आज आपको ये पैसे मिले हैं सरकार से, उससे आपके दिल में कैसी खुशी महसूस हो रही है? खुशी तो गले में। मैं इंडिया अनहड़ के काम से अपने समुदाय में परिवर्तन लाने में सक्षम हुई। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।